नमस्कार, आप जो राज्य गुजरातनी नंबर वन न्यूज चैनल जी 24 कलाक समाचार गुजरात साथे हूं ख्याति। महत्वपूर्ण समाचार, गुजरात में विद्यार्थियों ने प्राकृतिक खेती नो अभ्यास करावा छे। जी हां, धोरण 9 ना विद्यार्थियों ने करावा छे प्राकृतिक खेती नो अभ्यास। गुजरात बोर्ड नी तमाम शालाओं में अभ्यासक्रम में प्राकृतिक खेती विषय समावामां आव्यो छे। क्रमशः धोरण 10 अने धोरण 12 ना अभ्यासक्रम में पण समावेश थशे। राज्य सरकार ना निर्णय थी विद्यार्थियों ने मोटो लाभ थशे। शिक्षण दरमियान प्राकृतिक खेती ने लगती जानकारी पण मळशे। प्राकृतिक खेती थी थता लाभ अंगे विद्यार्थीओ माहितगार थशे, जेथी भविष्यना नागरिको एवा आ विद्यार्थीओ प्राकृतिक खेतीना महत्वने समझी भविष्यमां प्राकृतिक खेती तरफ वळशे। संवाददाता ब्रिजेश जोड़ाई गया छे। ब्रिजेश, खूब ज महत्वपूर्ण अने मोटी खबर छे, हवे धोरण 9 ना विद्यार्थियों ने प्राकृतिक खेतीनो जे अभ्यास छे ते करावामां आवशे। नवतर प्रयोगनी साथे बाळकोमां एक घडતરનો પણ પ્રયાસ। हाँ बिल्कुल, जी बात करिए तो शिक्षण विभाग आज जाहरात करी है। शिक्षा मंत्री ट्वीट कर कहूं कि आज वर्ष थी चालू शैक्षणिक वर्ष थी प्राकृतिक खेती अभ्यासक्रम धोरण 9 ना सामाजिक विज्ञान की अंदर समावेश कर विद्यार्थी अत्यार प्राकृतिक खेती पाठ भणे, जैसे भविष्य में जयरे खेती तरफ व्यावसायिक रीते वे तो लाभ लई शके अने प्राकृतिक खेती तरफ वळता रहे। सतत प्रधानमंत्रीनो प्रयास रह्यो छे के प्राकृतिक खेती ने प्रोत्साहन मळे अने वधुने वधु खेडूतो प्राकृतिक खेती तरफ वळे। नवी पेढ़ी जो प्राकृतिक खेती तरफ वळेली हशे तो तेनो लाभ तेना परिवारने पण मळशे अने ते पोताना परिवारने कन्विंस करी शकशे। तो आ एक मुख्य हेतु छे जेना कारणे प्राकृतिक खेती ने छे आ विषयने तरीके सामेल करवामां आव्यो छे। अने त्यारबाद धोरण 10 अने 12 मां पण भणावाशे, एटले के फक्त एक वर्ष नहीं कुल 3 वर्ष सुधी प्राकृतिक खेती अभ्यासक्रम में रहे, जेथी करीने विद्यार्थी पर तेनी असर पण थाय अने हकारात्मक पासू समझी लोग प्राकृतिक खेती तरफ वळे ते माटेनो आ प्रयास छे। एटला माटे शिक्षण नी अंदर पण हवे प्राकृतिक खेती पाठ भणावानो निश्चय करवामां आव्यो छे। शिक्षण मंत्रीए ट्वीट करीने आ समग्र विगत कही छे, भविष्य माटे आ निर्णय लेवायो छे। जी जी बिल्कुल, आभार आपनो, तमाम माहिती बदल ब्रिजेश।